खैरियत से होंगे। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है सुरमई फिश। इसको हम किस तरह फ्राई करेंगे, इसका हम किस तरह मसाला तैयार करेंगे, तो चलें देखते हैं। सबसे पहले 2 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट हम डालेंगे। धनिया पाउडर 1.5 स्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 स्पून, लहसुन का पाउडर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपने लहसुन का पेस्ट भी डाला होगा। मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच और फिश मसाला जो है 3 चम्मच आप इसमें शामिल कर लें। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैंने लाहौरी फिश मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का निशान का लाहौरी फिश मसाला लिया मैंने। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लूँगी, बिल्कुल लाइट सा। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें शामिल कर दिया और नमक हस्ब जरूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फिश का मसाला लगा लेंगे, इसको अच्छी तरह से आपने लगाना। अब हमने फिश को मसाला लगा दिया, अब आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। रखा रही हमने अपने पैन में 2 कप ऑयल शामिल कर लिया। अब हम इसके अंदर मछली का पीस डालेंगे। फिश हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।